मंडे नाइट रॉ ऑफ 8th of July 2019 एक ऐसी रॉ हो सकती है जो कि काफी धमाकेदार होगी, जिसके पीछे है दोस्तों चार रीजन जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप WHG। तो दोस्तों कल की रॉ होने वाली है एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी से पहले की आखिरी रॉ, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन उनमें से चार शॉकिंग थिंग्स आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे। तो इस लिस्ट में दोस्तों नंबर चार पर आता है रे मिस्टीरियो इन US टाइटल पिक्चर। तो रे मिस्टीरियो दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे इस बारी की मंडे नाइट रॉ के अंदर, लेकिन माना यह जा रहा है कि वहां वो एक प्रोमो काटेंगे। यहां हमें क्या शॉक देखने को मिल सकता है कि रे मिस्टीरियो आए और रिक्लेम करे अपनी US टाइटल, जहां वो कहे कि US टाइटल को मैंने रिलिंक्विश किया था और अब वो मुझे वापस चाहिए, जिसके चलते दोस्तों हमें एक अलग ही सिनारियो देखने को मिले जहां रिकोशे को फेस करना पड़े एक नहीं दो दो सुपरस्टार्स को इन द पीपीवी ऑफ एक्सट्रीम रूल्स, यानी कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि बन सकता है रिकोशे वर्सेस AJ स्टाइल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर तीन के शॉक के ऊपर, और नंबर तीन पर जो शॉक आता है दोस्तों वो है मंडे नाइट रॉ का ब्रांड न्यू स्टेज। जी आपने बिल्कुल सही सुना, दरअसल पिछले हफ्ते की रॉ में हमें देखने को मिला था कि WWE के मुस्टंडो यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और बॉबी लैशली ने LED वॉल को तोड़ दिया था, और उसके चलते स्टेज के अंदर काफी ज्यादा धमाके भी हुए थे। अंदर की बात की जाए तो WWE काफी समय से दोस्तों एक ब्रांड न्यू रॉ के स्टेज के ऊपर काम कर रहा है, और उसकी संरचना में दोस्तों WWE दिन भी खपा रहा है, और ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि विंस मैकमैन इस चीज का अनावरण अगली रॉ के अंदर, यानी कि जो ये रॉ आ रही है इसके अंदर कर सकते हैं और ब्रांड न्यू स्टेज हमें मंडे नाइट रॉ का देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर दो की चीज के ऊपर। गाइस नंबर दो पर जो शॉक आता है यानी कि जो थिंग आती है दोस्तों वो है आपकी बैगी लिंच और सेथ रॉलिंस की हार। तो दोस्तों कल आप जानते हैं इन दोनों का मैच किसके खिलाफ है, कल इन दोनों का मैच है अंद्रादे और ज़ेलिना वेगा के खिलाफ, और यहां दोस्तों काफी आसान कंपटीशन इनके लिए है, ये इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी जानते हैं कि असल में ये दोनों किसके प्रतिद्वंदी है, ये दोनों प्रतिद्वंदी है दोस्तों बैरन कॉर्बिन और लेसी इवंस के। दोनों ही काफी चलाक है और इस मैच के अंदर वो प्रोबेबली इंटरफेरेंस जरूर करेंगे, और इस इंटरफेरेंस के चलते हमें ये शॉक देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच हार जाए। तो दोस्तों ये चीज भी हो सकती है, बट अब हम चलते हैं नंबर एक के शॉक के ऊपर, और नंबर एक पर जो शॉक आता है दोस्तों वो काफी बड़ा है, वो है दोस्तों रोमन रेंस के मिस्ट्री पार्टनर केन। तो केन हो सकते हैं रोमन रेंस के मिस्ट्री पार्टनर, ये चीज कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। वाइज अंडरटेकर जो है उनके सबसे करीबी जो है वो केन ही रहे हैं, ऐसे में दोस्तों अंडरटेकर ने वापसी की है बिन बात के, तो केन भी बिन बात के अपनी वापसी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए, जहां वो अपने भाई के न्यू पार्टनर यानी कि दोस्तों रोमन रेंस की मदद कर सकते हैं, सिंस दोस्तों शेन मैकमैन कल उनके पार्टनर को चूज करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि केन कैसे उनके पार्टनर हो सकते हैं, तो केन दोस्तों शेन मैकमैन के कुछ कहने से ही पहले वहां आ सकते हैं, आग वहां धधक सकती है और केन वहां खुद को बता सकते हैं रोमन रेंस का टैग टीम पार्टनर, और फिर हमें इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों टीम्स के बीच में एक तगड़ा मैच बनते हुए देखने को मिल सकता है, जिसके अंत में यानी कि जिसके खत्म होने के बाद वहां अंडरटेकर भी आए। तो इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी है कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर। पर दोस्तों आप इनमें से कौन सा शॉक सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, साथ ही साथ कौन सा शॉक हमें डेफिनेटली देखने को मिलना ही मिलना चाहिए, आज के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, वीडियो को अंत करने से पहले दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सो प्लीज फॉलो अस। बट दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।